हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ, और एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सीमा रेखाएं, ये आज का हेडिंग है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब कौन सी सीमा रेखा कौन कौन से देश के बीच है, किसके द्वारा निर्धारित की गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक नंबर में रेखा का नाम है डुरंड रेखा, यानी डुरंड लाइन किसके किसके बीच है। तो ये देखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। यद्यपि मैं पहले बता दूं कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन ये ब्रिटिश भारत की बात थी, लेकिन वर्तमान समय में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, आप इसे भी याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि डुरंड रेखा किन देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद दूसरा नंबर का देखिएगा, रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, ये किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। आप इसको याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। 1120 किलोमीटर लंबी है रेखा, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, इस रेखा की लंबाई 1120 किलोमीटर है और सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन अभी तक इसे स्वीकार नहीं करता है। लेकिन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा देखिएगा, यानी ये किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 1947 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के अध्यक्ष सायरियल रेड क्लिफ द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, 1947 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद देखिएगा अगला रेखा, देखिए कि 17वीं समानांतर रेखा, यानी 17 पैरेलल लाइन, ये किसके किसके बीच है भाई, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। और वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 17वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। उसके बाद देखिएगा रेखा का नाम है 24वीं समानांतर रेखा, ये किसके किसके बीच है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही है, अति महत्वपूर्ण, यानी रेड क्लिफ। और ये 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करती है। याद रखिएगा कि 24वीं समानांतर रेखा और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर मैं बात करूं 38वीं समानांतर रेखा, ये 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, ये कोरिया को दो भागों में बांटने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को 38वीं सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा 49वीं समानांतर रेखा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, ये भी परीक्षा में बहुत बार छपा हुआ है। ये 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच है, अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटने का काम करती है। उसके बाद देखिएगा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा क्या है, किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और रेखा का नाम देखिएगा ऑर्डर निशे रेखा। ऑर्डर निशे रेखा ये किसके किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड, ये भी है, यानी हिंडनबर्ग और ऑर्डर निशे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं मैगिनॉट रेखा। ये मैगिनॉट रेखा देखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। और अगला देखिएगा रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है, यह जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। तो मैगिनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा, ये जर्मनी
और फ्रांस के बीच है। तो ये सीमा रेखाएं जो है आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी प्रकार के परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रहता है। मात्र 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपका सियोर हो जाएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।